इंदौर के उषा राजे होलकर स्टेडियम में शनिवार को एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें एमपीसीए के चेयरमैन और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी घोषित की गई। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आखिरकार पुरानी मैनेजिंग कमेटी को ही फाइनल कर लिया गया है। नामांकन भरने के लिए अन्य दावेदार सामने नहीं आए, इसके चलते अब चुनाव नहीं होंगे और 10 दिसंबर को होने वाली चुनावी एजीएम में इन सभी नामों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। प्रेसिडेंट पद पर एक बार फिर अभिलाष खांडेकर रहेंगे तो सचिव फिर संजीव राव ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी दावेदारों को फोन कर चुनाव नहीं कराने का बोल दिया है और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के खास अमिताभ विजयवर्गीय ने सचिव पद के लिए नामांकन नहीं करने का फैसला लिया था। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री एमपीसीए चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन और बेहतर कार्य करेगी। ये तो हर साल की प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। परिवार धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है और कई हस्तियों को हमने साल में खोया भी है, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि, क्योंकि उन लोगों ने जो रूप एमपीसीए ने आज लिया है उसमें उन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मुझे विश्वास है कि इस नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा का कोई उम्र या नया सदस्य या पुराने सदस्य से कोई ताल्लुकात नहीं होता। हमारे कई ऐसे पुराने सदस्य हैं जो पूर्ण ऊर्जा के साथ भी आज काम कर रहे हैं, जो एमपीसीए के 40-50 साल से सदस्य रहे। सर, आपके सर, आपके बेटे का भी सर, सर, जी भी आप जिन लोगों को रुचि है खेल कूद के प्रति और क्रिकेट के प्रति, उन सभी लोगों को हम लोगों को जोड़ के आगे ले जाना है और मुझे विश्वास है कि हमारी ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में नई टीम हमारी आगे जाकर जो लोग एमपीसीए के मेंबर्स हैं, जो लोग पूर्ण रूप से योगदान देना चाहते हैं, उनका भी पूरा इस्तेमाल हो। ये भी हमने निवेदन हमारे प्रबंधन से किया है और कई ऐसे लोग हैं हमारे एमपीसीए की टीम में जो 5 साल पहले या 10 साल पहले भी मेंबर्स बने हैं, जो पूर्ण योगदान देना चाहते हैं और उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। थैंक यू सर। वहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः अध्यक्ष चुने जाने के बाद अभिलाष खांडेकर ने कहा कि यह क्रिकेट के लिए एक अच्छा संदेश है, जहां सर्वसम्मति से पिछली कार्यकारिणी को चुना गया है और मध्य प्रदेश में क्रिकेट और ऊंचाइयों को छुएगा। निर्विरोध चुनी गई है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि छोटा सा हमारा परिवार है जिसमें इलेक्शन के चलते अननेसरली गुटीय राजनीति हावी हो जाती है और क्रिकेट की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो हमारा यह प्रयास रहा था, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सिंधिया जी ने भी काफ़ी मेहनत करी, हमारे संजय जगदाली जी, बाकी सब लोगों ने यूनानिमिटी के लिए प्रयास किए और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वक्त की एजीएम के पहले जो 3 साल हमारे पूरे हो गए उसके लिए, जो चुनाव से इतर क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, उनको मैं आज एजीएम की जब हमारी नई कमेटी वापस सिलेक्ट हो गई है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो पहले 5 ऑफिस बेयरर्स जिसका इम्पोर्टेंट वो है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्री अभिलाष खांडेकर, मतलब मैं श्री क्या बोलता है उसमें, अभिलाष खांडेकर, उपाध्यक्ष रमणीक सिंह सलूजा, सचिव संजीव राव, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन और संयुक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी सिद्धियानी पाटनी। ये पिछले वक्त की टीम है जो 2019 में जीती थी, वो के वही ऑफिस बेयरर्स रिपीट हुए हैं। कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं है ज़्यादा। जो डिवीज़न का हमारा रोटेशन है उसके हिसाब से 5 डिवीजन्स, तो मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन्स हैं और हमारे मेंबर्स भी 10 डिवीजन्स हैं। पिछली बार 5 डिवीजन्स थे, इस बार दूसरे 5 डिवीजन्स आए, जो रोटेशन से हमेशा चलता रहेगा। 2 नए सदस्यों को हमने इंडक्ट किया है, उसमें एक अभय पुरंदरे है और एक राजू सिंह चौहान है। हमारे जो लोग जो लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसके हिसाब से 70 साल के ऊपर कोई रह नहीं सकता, तो हमारे कुछ मेंबर्स 68-69 साल के हो गए हैं, तो उनको हम अगले 3 साल के लिए नहीं ले सकते थे, उनकी जगह पर 2 नए मेंबर का चुनाव हुआ है। और क्रिकेट कमेटी जो पिछली बार थी वो की वही रही है और मैनेजिंग कमेटी भी जो 19 लोगों की है उसमें से सिलेक्शन जो इलेक्शन जो होता है वो 14-15 पोस्ट के लिए होता है, वो सब यूनानिमस हो गया।
नए सदस्य जुड़ना जो है वो कोई एजीएम का वो नहीं है। हर साल हम 6 प्लेयर्स नए लेते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। 2 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेले हुए रहते हैं, जो स्कोरर्स अंपायर्स या क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स उसकी तरह कैटेगरी रहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन जो है उसके 2 नॉमिनीज रहते हैं। इस तरीके से 6 सदस्य हर साल हम बनाते हैं, जिन लोगों के नाम आज अखबारों में आ ही गए हैं, आप सब लोग जानते हैं। वो ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में पिछले 6-7 सालों से वो काम कर रहे हैं। तो उनका भी जिसको कहते हैं एप्लीकेशन कई दिनों से पेंडिंग थी, और बाकी सदस्यों की। और हम जैसे एजीएम के पहले हमेशा जो 6 मेंबर्स बनाते हैं उसमें जो महा आर्यमन सिंधिया भी इस बार मेंबर बने हैं, वो इस बार चूंकि एजीएम से इसलिए लगा, लेकिन हम हर साल 6 मेंबर्स बनाते हैं। तो वो क्रिकेट कैटेगरीज और जो ऑर्गेनाइजर से उसके जरिए बनते हैं। मैं भी स्वयं जब 2010 में बना तो मैं 1983 से। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।